गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, सेगमेंट लॉन्चिंग का काम नहीं चल रहा है। काफ़ी कमेंट आ रहा था गंगा एक्सप्रेसवे का, हम अपडेट नहीं दे पा रहे थे इधर कुछ दिनों से, क्योंकि ये जिस मिट्टी पे हम चल रहे हैं वो पूरा दलदल से भरा हुआ था। पानी सूखने के बाद मिट्टी गीली थी और पूरा दलदल के तरह हो गया था, लेकिन अब सख्त हुई ये मिट्टी, और सख्त होने की वजह से काम जहाँ पर काम हो सकता है वहाँ पर काम चल रहा है। और क्योंकि इसके जो गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स होती हैं, काफ़ी हैवी होती है और उसके लिए काफ़ी ठोस ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो जो जहाँ पर वो गाड़ियाँ नहीं जा सकते, जहाँ पर वो इक्विपमेंट नहीं जा सकता है, वहाँ पर काम अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। जैसे कि सेगमेंट लॉन्चिंग का जो काम है उसके लिए काफ़ी हैवी व्हीकल चलती है, तो उस लायक अभी मिट्टी नहीं हुई है। आगे भी आगे थोड़ा और दलदल है, यहाँ पर तो सख्त है, आगे दलदल है। अभी जो ज्वाइंट था बीच में, जो कुछ कमेंट भी आया था, बीच में गैप दिखता था आपको पुल के बीच में दोनों सेगमेंट ज्वाइंट के पे, तो वो ज्वाइंट को अभी भरा जा रहा है, ज्वाइंट को कंक्रीट किया जा रहा है, पैक किया जा रहा है। बूम प्लेसर है पीछे, कंक्रीट पंप मशीन है, आप वीडियो में देखेंगे, और ये ज्वाइंट को भरने का काम चल रहा है, काम तेज चल रहा है। पीछे जितना दीघा की तरफ 10 नंबर पाया, 10 पाया तक के ज्वाइंट को पैक कर दिया गया है, और यहाँ पर 16 नंबर पाया पे काम चल रहा है। तो हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में बताते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार के विकास के बारे में जान सकें, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। आप देखिए ये वीडियो, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे में कितनी लागत आ रही है, कितना किलोमीटर है ये, और कहां से कहां तक जाएगा ये तो पता ही है आपको, फिर हम बताएंगे, डिटेल बताएंगे इसका। आप पहले ये वीडियो देखिए। हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, इसका गंगा एक्सप्रेसवे दीदारगंज, जो कच्ची दरगाह के थोड़ा सा पहले है दीदारगंज,
से लेकर के दीघा तक इसका निर्माण कार्य चलेगा। कुछ पार्ट एलिवेटेड होगा और कुछ पार्ट जो है ज़मीन पे होगा। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 21.5 किलोमीटर, मतलब कि 21 और 22 किलोमीटर के बीच में रहेगा। और इसका जो अथॉरिटी इंजीनियर है, मेसर्स एकोम रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसकी लागत अगर देखी जाए तो 21.5 किलोमीटर इस नए रास्ते की, बिहार में बनने वाले नए रास्ते की लागत आ रही है 3160 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा मैंने किलोमीटर बोल दिया। और इसका जो एग्रीमेंट का जो ये है वो एक्सक्यूट किया गया था 23/8/2013 को, और कंप्लीट होने का डेट आपको सुन के तकलीफ होगा, कंप्लीट होने का डेट 8/9/2017 का था, लेकिन अब तो एक साल लेट हो गया है, 10वां महीना 18वां महीना और 2018 चल रहा है। तो और BSRDC इसका निर्माण करवा रही है, जो बिहार सरकार की एक इकाई है जो रोड पुल बनाने का काम करती है। तो अभी यही अपडेट है, काम शुरू हो गया है इसका, पानी की वजह से बीच में काम रुक गया था। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो घंटी है उसको दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इस प्रोजेक्ट से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक पेस्ट कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, जय भारत, जय बिहार।